दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या को दुनिया का सबसे बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हां दोस्तों, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया आज पहला T20 का मुकाबला, और पहले T20 के वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम को इस तरीके से रौंद दिया जिसको देखकर शायद आजाम के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को 3 टेस्ट मुकाबले के हरा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम अपने आप में महाराजा समझने थी। साउथ अफ्रीका की टीम उछल रही थी और कूद रही थी जब हमारी भारतीय टीम 3 टेस्ट मुकाबले हारी थी, लेकिन शायद ये नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका को मेरा भी नंबर अगला लगने वाला है। साउथ अफ्रीका की टीम की पहले ही T20 मुकाबले में ताश के पत्तों की तरह उड़ा कर रख दिया। पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए रह गई, कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। भारतीय टीम के दिग्गजों की बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इतने छक्के इतने चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, रिंकू सिंह इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान बेहद ज्यादा खुश हुए। उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए तो पहला T20 का मुकाबला भी जीत लेंगे और भारतीय टीम को 150 रनों के भीतर आउट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफी थी। मैदान पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली ही बॉल पर एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की चौथी बॉल पर छक्का जड़ दिया और पहले ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने पहले ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा ने चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया। संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और दूसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। संजू सैमसन का बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। हालांकि तीसरे ओवर की पहली ही बॉल पर 28 रन ठोकर के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए। शिवम दुबे ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर चौका ठोक दिया और तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक संजू सैमसन को। संजू सैमसन ने तीसरे ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज कगेश्वर रवाड़ा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए मैदान पर तूफान मचा दिया, क्योंकि दोस्तों चौथे ओवर की 6 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन भारतीय टीम को मिले। कगेश्वर रवाड़ा का जो है तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन दोस्तों 5वें ओवर की पहली बॉल पर शिवम दुबे ने छक्का ठोक दिया। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया। 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक शिवम दुबे को दी। शिवम दुबे ने 5वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 3 छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे 31 रन ठोक करके आउट हो गए। 6वें ओवर की दूसरी बॉल पर जैसे ही शिवम दुबे आउट हुए मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 6वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। 6वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका ठोक दिया। 6वें ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक संजू सैमसन को दी और संजू सैमसन ने 6वें ओवर की छठी बॉल पर तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों कैच आउट का सामना कर बैठे और 98 यानी कि 98 रन ठोक करके आउट हुए, अपने शतक से चूक गए। दोस्तों जैसे ही संजू सैमसन, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा आउट हुए मैदान पर नीतीश रेड्डी हार्दिक पांड्या का तूफानी विस्फोटक साथ देने के लिए आए। अब नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को इस तरीके से धोया जिसको देखकर शायद आज आप भी एक बार चौंक जाएंगे।
दोस्तों सातवें ओवर की पहली ही बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने छक्का ठोक दिया। सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या ने सातवें ओवर की चौथी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या ने सातवें ओवर की पांचवीं बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। छठी बॉल पर फिर कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर बेहतरीन विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक शेर, आप सभी को बता दें दोस्तों यहां पर जो है नीतीश रेड्डी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने आठवें ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया, आठवें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया, आठवें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने आठवें ओवर की बची तीन गेंदों पर दो कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। कोच गौतम गंभीर भी देखकर हैरान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने अपना काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक किया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश रेड्डी भी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों नवे ओवर की पहली बॉल पर नीतीश रेड्डी ने छक्का ठोक दिया, नवे ओवर की दूसरी बॉल पर नीतीश रेड्डी ने चौका ठोक दिया, नवे ओवर की तीसरी बॉल पर तगड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन दोस्तों कैच आउट का सामना कर बैठे। नीतीश रेड्डी जैसे ही 42 रन ठोक करके आउट हुए, मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो वहीं नवे ओवर की चौथी बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या जब क्लीन बोल्ड हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए। अब सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी जैसे पांच विस्फोटक बल्लेबाज जब 113 रन बनाकर के आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह आए। अब इन दोनों विस्फोटक शेरों के कंधों पर टीम इंडिया की जिम्मेदारी थी रनों की और जीत की। अब इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 10वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। रिंकू सिंह आजकल ताबड़तोड़ बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक करके साउथ अफ्रीका के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रिंकू सिंह के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देकर हर किसी के पसीने छूट गए। 11वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का ठोक दिया, 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए, स्ट्राइक अपने पास रखी, 11वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 11वें ओवर की बची दो गेंदों पर दो छक्के फिर ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल रहे थे। दोस्तों 12वें ओवर की पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने चौका ठोक दिया, 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर रिंकू सिंह ने दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका ठोक दिया, सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी और रिंकू सिंह ने 12वें ओवर की छठी बॉल पर दौड़कर दो रन ले लिए, जहां पर दोस्तों स्ट्राइक 13वें ओवर की सूर्य कुमार यादव के हाथों में आई और सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर सूर्य कुमार यादव ने एक रन लिया और स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 13वें ओवर की चौथी बॉल पर छक्का ठोक दिया और पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी और सूर्या ने 13वें ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का चढ़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के दौड़े थे। रिंकू सिंह ने दोस्तों 14वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर रिंकू सिंह ने दौड़कर दो रन लिए, स्ट्राइक अपने पास रखी और 14वें ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका फिर ठोक दिया, 14वें ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी और सूर्या ने 14वें ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और काफी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले को लहराते हुए 14वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर
दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक सूर्या को दी और सूर्या ने 14वें ओवर की बची दो गेंदों पर शानदार 2 गगन 34 छक्के जड़ दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर टटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिया तो वहीं 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चौंती 6 छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बेहतरीन तरीके से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। साउथ अफ्रीका के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल बल्ले से टच होते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर या कवर ड्राइव की और चौके की लाइन में क्यों जाती है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गज बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। रिंकू सिंह ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए तो वहीं दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर लगातार 6 चौके ठोक दिए। हालांकि 6 छक्के नहीं गए लेकिन 6 चौके चले गए। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका की टीम के सामने 20वें ओवर तक पहुंचते भारतीय टीम के शेरों ने काफी बड़ा रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी, उन्हें अभी भी लग रहा था कि हम इस मुकाबले को जीत लेंगे और भारतीय टीम को हराएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को शायद ये नहीं पता था कि पहला T20 का मुकाबला इतने रनों से हार जाएंगे, अगर दोबारा खेलने का मौका भी मिल जाए फिर भी इतने रन पूरे नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी। साउथ अफ्रीका की टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए काफी ज्यादा उछल रही थी, उन्हें लग रहा था कि इस मुकाबले को हम जीत लेंगे। भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर के गए भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो नया युवा बल्लेबाज और कप फिरकी में विकेट ले ले किसी को नहीं पता। रवि बिश्नोई ने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, दूसरा ओवर लेकर के गए मयंक यादव ने 3 रन दिए, चौथा ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह ने 1 विकेट चटका दिया तो वहीं दोस्तों 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट रवि बिश्नोई ने चटका दिए। हालांकि 5वें ओवर तक 3 विकेट चले गए और रन सिर्फ दोस्तों 28 ही साउथ अफ्रीका की टीम के बन पाए। अब साउथ अफ्रीका की टीम यहां से काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाज ऐसे आए जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर 6ठे ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। साउथ अफ्रीका के एक बल्लेबाज ने 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम ने काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक किया और 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 चौके और गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। लेकिन फिर दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए, जहां पर 9वें ओवर तक जाते थे 5 विस्फोटक बल्लेबाजों को भारतीय टीम के शेरों ने ढेर कर दिया। साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाज फिर मैदान पर आए जो काफी ताबड़तोड़ अंदाज से मैदान पर बल्लेबाजी करने लगे, जिन्होंने दोस्तों 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए, 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की और चौके और 4 आसमानी गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को हम जीत लेंगे, लेकिन दोस्तों फिर मयंक यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। अब 7 विस्फोटक बल्लेबाजों को यहां पर 14वें ओवर तक भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने ढेर कर दिया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। साउथ अफ्रीका के कोच को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुकाबले को कैसे जीता जाए। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके साउथ अफ्रीका के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने फिर ठोंक दिए। यहाँ पर रवि बिश्नोई के 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए और दोस्तों हर्षदीप सिंह के 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाज मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों को काफ़ी परेशान कर रहे थे। हालांकि 17वें ओवर की 6 गेंदों पर यहां पर दोस्तों 1 विकेट फिर मयंक यादव ने ले लिया, जहां पर दोस्तों यहां पर 3 ओवर बचे थे 18, 19, 20 और 3 ओवरों के भीतर वो इस मुकाबले को जीतना चाहते थे, जहां पर डीकॉक और दोस्तों तूफानी विस्फोटक ऑलराउंडर गेंदबाज बल्लेबाज कगेसुर रवाड़ा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में थी, लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को लग रहा था कि हम T20 की हार का बदला, वर्ल्ड कप की हार का बदला यहाँ जरूर ले लेंगे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों ने ज़्यादा देर तक साउथ अफ्रीका को टिकने नहीं दिया और 19वें ओवर तक जाते जाते ढेर कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने दोस्तों पहला T20 का वार्म मुकाबला जीत लिया। फिलहाल दोस्तों एक वार्म मुकाबला था, ईश्वर से दुआ कामना बना रही।